Hampta Pass Trek. The trek that changed the way I used to look at things. The trek that changed the inner me. The trek that changed my life. It was all that I ever wanted. To stand alone. To think. To achieve. And to praise God for creating me. So come with me into the valley of snowy mountains, through freezing water and warm meadows. Let's explore. Let's discover. Good morning, guys. Today is our day 2, and today we are going to Balu ka gera. And here we are thoda fresh ho gaye sab. ठीक है और बाहर का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. मैं रात को पता नहीं लग रहा था कैसा है बट अब हमें देख रहे हैं ना तो बहुत हवा चल रही है और मतलब बहुत सुंदर लग रहा है. वो अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ. आपको पहाड़ नहीं दिख तो पेड़ नहीं दिखेंगे बाहर क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा है. जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है पेड़ कम होते जाते हैं. बाहर का थोड़ा व्यू दिखा दें. ये हमारी स्नोलाइन पे रिवर और यहाँ पे हमारा कैंप साइट. यहाँ पर हम लोग रात को एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे थे बहुत देर तक. लोगों को थोड़ी चाय मिल गई थी. चाय सुबह सुबह और अदरक वाली चाय है. कल रात को हम जो आप पीछे देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ यहीं पे हम पूरी फोटोग्राफी कर रहे थे और ये हमारे पीछे रिवर. हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फोटोज देख सकते हैं. इंस्टाग्राम पे आप हमारे देख सकते हैं. ठीक है और स्टीवन को क्या कहना चाहेगा मतलब इस जगह के बारे में. जगह का व्यू बहुत सही है. मतलब रात को जब हम सो रहे थे ना तो नदी की ऐसी आवाज आ रही थी इतनी मतलब मजा आ गया था सुन के. आवाज मतलब जैसे कोई लोरी सुना रहा हो ना रात को वैसा हालत. यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे सारे अपने टीम मेंबर. हमारी एक्चुअली हमारे ग्रुप है तो हमारे ग्रुप का नाम है टीम रेनो. यहाँ पे स्टीफन है ब्रेकफास्ट ले रहा है अपना चूजी है. तो वैसे एक नंबर का कल ही बता दिया था इसने कि नॉन वेज खाएगा ब्रेड ऑमलेट. यहाँ हमारे शुभम भाई ये देख रहे हो ये यहाँ का सबसे प्योर हनी और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठा है यार बहुत ज़्यादा. वैसे ऐसा मतलब मिलता नहीं है प्योर ना बिल्कुल यार खाने के लिए इतना. और सच्ची में इतना ज़्यादा मीठा है ना. यहाँ पे अपने भाई लोग देखो रेडी हो रहे हैं सामान वामान तैयार कर रहे हैं निकलना है. आज हम 10,000 से कितनी फीट पे जाएंगे 12,500 मतलब 2,000 फीट का डिफरेंस. यहीं से जाएंगे ना बिल्कुल ये नदी के ऊपर से क्रॉस भी करेंगे नदी को. चलो फिर फटाफट सामान पैक कर लो ब्रश कर गया भाई. अभी थोड़ा ब्रश व्रश करने आया हूँ. मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना कैंप वहाँ पे लगा हुआ है. उसके बाद तो यहाँ पे हमारा बेस कैंप है चिक्का. इसे हम बाय बोलते हैं और हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं बालू का गेरा. बहुत एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है. भाई ये देख रहे हो ये हमारा रास्ता. पर आज काफ़ी अच्छा हमें मॉर्निंग का लैंडस्केप मिला है. हाँ सुबह का वक्त है ना इसलिए. चलो आज धीरे धीरे चढ़ के काफ़ी आगे जाना है हमें. सांस फूल रही है थोड़ी बहुत. थोड़ी स्टीप चढ़ाई है ना. है ना यहाँ से आए देख रहे हो बिल्कुल एकदम स्टीप थी वो.
बहुत ऊपर आ गए यार आ गए हम लोग कहां से आए स्टीफन सांस फूल गई हमारी उधर बेस कैंप से आए हैं और अब हमारे पीछे ये देखो तुम व्यू ये देखो कितने पास आ गए स्नो पीक हम भाई स्नो पीक के बहुत पास आ गए हैं ठीक है हम दो बैग कैरी कर रहे हैं इसलिए हमारी ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा यूज हो रही है हेल्पमेंट ज्यादा है ना हमारे पास ज्यादा सामान है सबसे ज्यादा सामान हमारे पास है सबसे डेयरिंग हम ही है और सबसे ज्यादा फिट हम भी है सबसे ज्यादा फिट भी हम ही है हम कोप अप कर लेते दूसरों के साथ आसानी से लाइफ में एक बार तो करना चाहिए ना ये सब और क्या क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जिंदगी कहाँ मिलती यार दोबारा हमारे चैनल पे तुम्हें यही सब चीजें मिलेंगी लाइफ में एडवेंचर करना चाहिए यार छोटी छोटी ट्रिप्स से स्टार्ट करो फिर बड़ी बड़ी ट्रिप्स तक जाओ अब जैसे हम लोग हमेशा से ओए गिरते गिरते बच गया हमेशा से हम लोग घूमते आए हैं स्टीफन और क्या और हम इसके लिए बिल्ड किया है हमने अपने आप को ऐसे बिल्ड किया है ताकि हम कर सके ठीक है यहाँ पे लोग हैं जो बेस कैंप तक चढ़े हुए हैं एवरेस्ट बेस कैंप ठीक है तो अपने आप को एक किक दो लाइफ में कि भाई ये चीज हमें करनी है भाई दो दो बैग किसी के पास नहीं है स्टीफन इतनी हाइट पे जाना इतना सामान लेके टफ A few inches later. Break. Yeah, Stephen. Mast hai na? Very. View hai bhai. Zabardast. Aur hum bhi baaki se alag hi chal rahe hain yaar. Finally. Maza aa gaya bahut. Ye dekh rahe ho? Bhai ekdam se yahan pe gadda. Yun karke fir upar ki taraf. Re bhai. Aise pura jana hai main. Pahad ke piche. Ye ja raha hai Stephen. हाँ इजी है नहीं इजी है नहीं है तेरे लिए क्या? तेरे लिए इजी है कि नहीं इजी तो नहीं है भाई तो लगता है भाई टफ तो है मोहन कैसी फीलिंग आ रही है तेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना अभी स्टार्टिंग हो रही थी बट अब बिल्कुल ठीक है भाई अब बिल्कुल ठीक है क्या किया तूने बैग वैग उतार के बैठा बैठा सबसे पानी पिया अरे पानी बहुत पिया पानी बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा पानी जरूरी है जितना पानी पियोगे उतना तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ऑक्सीजन रहेगा बॉडी में तुम भी इस बंदे की तरह चढ़ पाओगे फिर सबसे आगे चल रहा है भाई हमसे भी आगे चल रहा है फर्स्ट टाइम आया जबकि सेकंड स्टॉप बैग वैग उतार है वापस वही रिपीट थोड़ा पानी वानी पियेंगे अभी रेस्ट करेंगे दो चार मिनट सांस लेंगे यहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप बैठा हुआ है हमने ग्रुप हमने कहा था ना हम कवर अप कर लेंगे हम आराम से कवर अप कर लेते हैं यार बात नहीं है थकान वकान हो रही है पानी पी रहे हो हाँ भाई थकान तो होती है पानी ना पी एकदम हिमालयन वाटर है ये फ्रेश वाटर इस नदी है जो दिख रही है ना आपको पीछे इसी नदी का पानी है यहीं से भरा हमने ठीक है और मतलब दिल्ली में कहीं भी नहीं मिलता भाई दिल्ली में 20-30-50-100 रुपए का नहीं मिलता ये पानी ये अलग ही अभी हम कार ट्रिप की सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइव स्टार बहुत एनर्जी देती है स्टीफन और मेरी फेवरेट है ठीक है और अपनी माँ को मैं मम्मी को मैं माता को मैं थैंक्स बोलता हूँ उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी ट्रिप से आने से पहले मैं उनको बोल रहा था मम्मी इतना सामान है ये है वो है कैसे ले जाऊँगा पर अब फील हो रहा है यार कि सारी चीज़ें ज़रूरी सारी चीज़ें ज़रूरी थी मम्मी पापा ने जो कुछ दिया सब कुछ काम आ रहा है सही में
एकदम चिल्ड पानी होगा भाई, इतना गंदा लगता है, बहुत तेज बह रहा है ये। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाना ज़रूरी है मेरे और सीखन से। हमने एस्ट्रो फोटोग्राफी किया, लैंडस्केप किया, पोर्ट्रेट किया, हर चीज़ करी है भाई। तुम्हें लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करना पड़ेगा भाई तुम्हें, ऑर्डर है मेरे, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जाओ जाके। रास्ता देखो भाई, तुम देख रहे हो बिल्कुल पत्थर पत्थर है, और हमें यहाँ से जाना है इसके ऊपर से और फिर वहाँ जाना है, बहुत टफ हो गए। मन कर रहा है भाई कूद ही जाऊं इसमें, क्या जबरदस्त झरना लग रहा है ना, है ना स्टीफन, क्या खूबसूरत जगह है यार, अनएक्सप्लोर्ड टाइप है बिल्कुल। गंदा मत करना यार इस जगह, हाँ यार प्लीज यहाँ पे आओगे तो गंदा मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। भाई ये देखो यार यहाँ का व्यू, कैसा लग रहा है मोहन, आगे आगे चल रहा था तू तो, हम तुम्हारे लिए। अब हम थोड़ा पानी भरेंगे, ठीक है, प्यास लग रही है हमें बहुत, और रनिंग वाटर ये चिल्ड पूरा भर गया। Way to go and a long memories. Later. Why is everything so heavy? लंच ही आज का हमारा, कितनी देर पहले आ गए थे तू हमसे, मना किसने ज्यादा किया, payphone try to call home, सही में भाई times Later. स्नो के बिल्कुल पास आ चुके हैं, ठीक है,
और मोहन भाई यहाँ पे पानी पी रहे हैं। हमने अभी काफ़ी चल लिया, इस वजह से थके हुए हैं थोड़े। हाँ भाई सुबह नहीं भाई, 8:30-9 बजे से चल रहे हैं, 9 बजे से, 9 बजे से चल रहे हैं। अब शायद क्या हम पहाड़ी के जस्ट पीछे है और बारिश होने वाली है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो पोंचो ना पहनना पड़े। 20 minutes later तो फाइनली गाइस हम बालू का गेरा पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे कैंप लगे हैं और ये देख रहे हो भाई स्नो, देखो तुम। स्टीफन कैसा लग रहा है तेरे को बेस हमारा, है ना, मजा आ गया ना भाई साहब। और क्या व्यू आ रहा है भाई कसम से। सही में गाने वाने सुने हैं सब, मतलब पूरी मस्ती मारते हुए आए हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। सही में फाइनली हाँ जी मोहन जोदार जी, कैसे लग रहे टेंट आपको, जगह कैसी लगी? ये सारे हमारे ग्रुप वाले हैं ना, पर हम सही टाइम से पहुंच गए वैसे। हमें बोल बोल के 30 मिनट है 30 मिनट है ले ही यार। टीम आ गया भाई, टमाटर वाली, टमाटर और पानी वाली, स्पीति भी है और टमाटर भी है। ठीक है पर काम चलाओ, अच्छा लग रहा गर्म है। Twelve o'clock midnight.